उस पत्र का भी
जितना तेरे पास ज्ञान है तू स्त्री जाति को दे और मेरा संदेश जितना हमें दिया है लोगों तक पहुंचा, स्त्रियों को ज्ञान दे। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ज्ञान देने के लिए उसको ये बात होगी जो माता पार्वती को कही और माता पार्वती ने वहां से आकर हरियाणा में पहली पाठशाला कन्याओं के लिए खोली। उसके मजबे विरोध भी बहुत हुआ, ट्रिब्यून में उसने समाचार छपते थे कि ये लड़कियां यहाँ बन जाएंगी तो लड़कियां जो है वो बिगड़ जाएंगी, ये नाश हो जाएगा वो नाश हो जाएगा, तो बहुत मेहनत करते थे। तो फिर ऋषि ज्ञान के जीवन काल में जो आर्य समाज में कोई कन्याओं की पाठशाला नहीं होगी, ऋषि ज्ञान के प्रचार करते हैं तो क्या कन्याओं के गुरुकुल, लड़कों के गुरुकुल, स्त्रियों को शिक्षा, पुरुषों को शिक्षा, लेकर विज्ञान के बलिदान के पश्चात साल का अमृतसर में थोड़े समय के पश्चात एक कन्या पाठशाला खोल दी गई। जलंधर के अंदर कन्या महाविद्यालय खोला गया जो अब उत्तर भारत के सबसे बड़े कानूनों में से एक है, जो भी चरण सिंह की पत्नी हुई बड़ी, प्रकाश सिंह बहादुर की पत्नी हुई बड़ी, और इतना जो सुदर्शन हिंदी के अंदर राष्ट्रीय ख्याति के कहानीकार हैं हिंदी पत्नी की हुई बड़ी, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति के आज इंटरनेशनल के प्रोफेसर हैं राजपाल टेंशन, ये माजी राजपाल की जो पत्नी थी माता सरस्वती की देवी, ये भी कन्या महाविद्यालय में पढ़ी। और आर्य समाज में फिर अन्यत्र भी देश के अन्य अन्य भागों में कन्याओं के विद्यालय जब जलंधर में कन्या महाविद्यालय खोला गया तो आर्य समाज का प्रचंड विरोध किया गया। उस समय मैं क्या गांधी जी के मुख से मैंने सुना भूमंडल प्रचार को आर्य समाज के में कि जलंधर में वो रहते थे, उन्होंने कहा वहाँ मुनाफी कराई जाती थी, जो कन्याएं यहाँ पढ़ने आएंगी उनको हर महीने चार आने दिए जाएंगे, आज तो 20 दे के पढ़ाते हैं, चार आने दिए जाएंगे, उससे वो अपना दुपट्टा ले तो चार छह लड़कियां जो थी शादी करने के लिए जाती थी, बड़ा खड़ा विरोध होता था, बहिष्कार होता था। आर्य समाज में ऐसे सहन करते हुए जो था वो कन्याओं की शिक्षा का प्रसार किया। देखो उस समय यहाँ तक स्थिति थी कि कन्याओं की शिक्षा का जो विज्ञान ने प्रचार किया तो पंजाब और पंजाब से बाहर भी कन्याओं की शिक्षा के लिए आर्य समाज में विद्यालय स्थापित करने शुरू किए, बाद में गुरुकुल भी स्थापित होने शुरू हो गए और आर्य समाज में जो नए जो था पर कन्याओं को शिक्षित करके प्रचार के क्षेत्र में भी लाए, धर्म प्रचार के क्षेत्र में पहली देवी जो पंजाब में सुधार और प्रचार के लिए आगे निकली वो उन्हीं माता भगवती थी जिसने शिक्षा का प्रसार किया। ये शिक्षा का प्रसार आर्य समाज में कैसे आरम्भ हुआ इसकी एक कहानी महात्मा मुंशी गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। उन्होंने लिखा कि मेरी लड़की मैं कुछ काम कर रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, मेरे कानों में आवाज पड़ी, मेरी बेटी वेद कुमारी एक गीत बोल रही थी, वो कहता ईशा ईशा बोल तेरा प्यार
चार घंटे